आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जो न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पपीते की। क्या आप जानते हैं कि पपीता खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी कम हो सकता है? यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित तथ्य है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पपीता किस तरह से कैंसर को रोकने में मदद करता है। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय, तो चलिए शुरू करते हैं। पपीता विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, पोटेशियम और फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पेपेन नामक एंजाइम होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। पपीते में लाइकोपिन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करने में भी मदद करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैंसर के खतरे को कम करने में पपीता कैसे मदद कर सकता है। लाइकोपीन एक ऐसा तत्व है जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये फ्री रेडिकल शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं जो कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। पपीते में लाइकोपीन प्रचुर मात्रा में होता है जो शरीर को इस खतरे से बचाने में सहायक भी हो सकता है। वहीं पपीते में मौजूद विटामिन सी और ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने से रोकते हैं और ये तत्व इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में और शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। वहीं पपीता फाइबर का एक अच्छा सोर्स है जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और एक स्वस्थ पाचन तंत्र कैंसर, खासकर कोलन कैंसर का खतरा काफी हद तक कम कर सकता है। वहीं पपीता शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। सूजन कैंसर के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, लेकिन पपीते में मौजूद तत्व इसे नियंत्रित करते हैं। आपको बता दें, पपीता को कच्चा या फिर पका हुआ दोनों तरह से खाया जा सकता है। आप इसे नाश्ते या फिर स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। सैलड, स्मूदी या फिर शेक में भी पपीते का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पपीते की अत्यधिक मात्रा में खाने से पेट में ऐंठन या फिर एलर्जी भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह पर ही पपीते का सेवन करना चाहिए। वहीं सुनिश्चित करें कि पपीता ताजा और पका हुआ हो। इन सारी बातों का आपको ध्यान रख के पपीते का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, पपीता न सिर्फ एक स्वादिष्ट फल है बल्कि यह हमारे शरीर के लिए अमृत समान है। कैंसर के खतरे को कम करने के अलावा यह कई अन्य बीमारियों से भी आपको बचाता है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। धन्यवाद।